Pseudo pregnancy in dogs. What is pseudo pregnancy or false pregnancy? Its signs, diagnosis, and treatment. Number 1, enlargement of mammary glands. अगर आपकी बिच्छ की मेटिंग नहीं हुई है, फिर भी वो इस टाइप के साइंस शो कर रही है जिसमें मैमरी ग्लैंड्स और निप्पल का एनलार्जमेंट है, तो उसमें स्यूडो प्रेगनेंसी का केस हो सकता है। जैसा कि आप इमेजेस में देख रहे हैं, निप्पल्स एंड मैमरी ग्लैंड्स एनलार्ज्ड हैं। समटाइम्स उसमें से मिल्क भी बाहर आने लगता है। नेस्टिंग बिहेवियर, इसका मतलब होता है कि आपकी बिच आप सभी से अलग हो जाएगी, उसके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा और वो एक अलग कॉर्नर में जाकर के बैठ जाएगी, अपना इंटरेक्शन और एक्टिविटीज कम कर देगी। नेक्स्ट वन इज मदरिंग, इसका मतलब ये है कि बिच थोड़ी बहुत अग्रेसिव हो जाएगी और थोड़ी प्रोटेक्टिव हो जाएगी और अपने आप को अकेला कर लेगी। कई बार वेजाइनल डिस्चार्ज भी देखा जा सकता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। स्यूडो प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस यूजुअली हम उसके साइंस और सिम्टम्स से देख सकते हैं, बट इसका प्रॉपर डायग्नोसिस एक्सरे और अल्ट्रासोनोग्राफी से होता है। ट्रीटमेंट, यूजुअली ये कंडीशन अपने आप रिजॉल्व हो जाती है, मतलब 2 से 3 वीक तक ये कंडीशन अपने आप ठीक हो जाती है। अगर लंबे समय तक चले तो आप अपने वेट से कंसल्ट कर सकते हैं।